लोग कहते हैं कि देश को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी कई गांव वैसे हैं जो बुनियादी सुविधाओं की बांट जो रहे हैं। इनमें से एक उत्तराखंड की बागेश्वर से साता प्यारा गांव है। वहां के ग्रामीणों को अभी तक पक्की सड़क नसीब नहीं हो सकी है। मुख्य मार्ग से गांव तक पगडंडी पर पैदल दूरी नापने को मजबूर हैं। वहीं ग्रामीण आनंद सिंह ने बताया कि साता प्यारा गांव में 15 से 20 साल पूर्व गांव में 120 परिवार रहते थे। गांव की आबादी 500 थी। जिला बनने के बाद गांव का जिले के साथ गांव के विकास की उम्मीद थी, लेकिन आज भी जस की तस जीवन जीने को मजबूर हैं। उन्होंने बताया कि गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ANM सेंटर तक नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाने के लिए भी डोली के सहारे 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इतना ही नहीं, जिला अस्पताल जाने के लिए 2 किलोमीटर सड़क तक डोली, फिर गाड़ी से भेजा जाता है। हम 5 किलोमीटर यहाँ से खड़ी चढ़ाई में चलते हैं, जो कि स्वास्थ्य केंद्र यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। अभी हम जिला चिकित्सालय से यहाँ आ रहे हैं, जो कि पेशेंट यहाँ पर सामने हैं आपके, और फिर दोबारा फिर बुलाया गया है इनको, जो कि हम 5 किलोमीटर यहाँ से पैदल डोली से मरीज को यहाँ से सड़क तक ले जाते हैं। इस बीच में कोई भी उपचार केंद्र नहीं है, जो कि आज भी जनता यहाँ प्रभावित है, जिसे हमें जल्द से जल्द सड़क मुहैया कराने की कृपा करें। कोई भी अन्य अनदेखी है। हमारी सड़क यहाँ अभी बन नहीं पाई है, जो कि आते हैं पर आश्वासन देते हैं पर सड़क अभी तक नहीं बनी है, तो जल्द से जल्दी हमें मुहैया कराने की असीम कृपा करें, धन्यवाद। इसे गाँव का दुर्भाग्य कहें या शासन प्रशासन की लापरवाही, लेकिन ये सच है कि आजादी के 7 दशक बाद भी बागेश्वर जिले के साता प्यारा गांव में ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से परेशान हैं। आलम यह है कि 7 दशक से इस गांव के ग्रामीण विकास की बाट जो रहे हैं और इस गांव के ग्रामीण विकटता में जीवन जी रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बागेश्वर से जगदीश की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।